हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैं अपने घर आई हुई हूँ, तो कैसे मैंने आज घर की किचन में खाना बनाया है, तो चलो देखते हैं आज मैंने क्या बनाया। कांच करने लाया मैंने, वो स्टील के उठाए और कांच करने लपक के लेके गए। ये क्या पी रहा है भाई साहब? क्या है? कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक जाओ ना। उस साइड मुंह क्यों करके पी रहा है? इस साइड मुंह करके पी ऐसी खराब हो जाएगी। मंतव्य की दादी ने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली एंड अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो अभी मैं कुछ नाश्ता बना लेती हूँ पहले सबके लिए खाने को, क्योंकि काम तो हो गया सारा, तो बस नाश्ता बना लेते हैं सबके लिए। और अभी मैंने बेसन ले लिया है, बेसन में मसाले डाल लिए हैं एंड नाश्ते में इसमें मंतव्य बोल रहा था आलू के पकोड़े बनाने के लिए, तो गोल वाले उसके आलू के पकोड़े बनाने हैं। एंड जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में, एंड गोल भी बना लिया है पकोड़े के लिए, आलू भी छील लिए हैं एंड अब उसके गोल गोल पीसेस मैं निकाल लेती हूँ चाकू से कट करके। ये देखिए, मंतव्य के पापा कहीं बाहर जाने की बोल रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि मैं नाश्ता बना ही रही हूँ तो नाश्ता करके ही जाना, फिर पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाएगा बाहर। तो बोले ठीक है बना ले, मैं खा जाऊंगा। तब तक वो बाहर वेट कर रहे हैं पापा के पास बैठकर। वो दूसरे प्लॉट पे जाने की बोल रहे थे, हमारा एक और ज़मीन है कुछ दूरी पर, तो वो बोल रहे थे कि वो अपने उस प्लॉट को देखकर आते हैं। मैं उनको बोल रही आप घूम के आएंगे, फिर पता नहीं चाचा जी के घर पे भी जाने की बोल रहे थे, तो मैंने कि वहाँ टाइम लग जाएगा आपको, मैं पकौड़े की तैयारी भी कर ली है तो पकौड़े खा के ही जाना। और जब तक मैंने कढ़ाई में भी पकोड़े तलने रख दिए हैं एंड कुछ पकोड़े बन भी गए हैं, और जब तक पकोड़े बन रहे थे तो मैंने आलू के पीसेस और काट लिए हैं, क्योंकि ये वाले तो जो निकाल रही हूँ ना, ये प्याज के पकोड़े हैं, क्योंकि ये मंतव्य के दादू के लिए प्याज वाले पकोड़े बोल रहे थे वो। तो प्याज के पकोड़े बना दिए हैं और मंतव्य को पसंद है आलू वाले पकोड़े, तो उसके लिए मैं आलू के जरूर बनाऊंगी, क्योंकि पकोड़े बन रहे हैं तो आलू के पकोड़े में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मंतव्य नहाने के लिए जा रहा है, तो उसकी दादी पूछ रही थी कि टॉवल कहाँ है, तो उसे एक दिन पहले ही मंतव्य नहाया था तो टॉवल गीली थी, तो मैंने अपने बेडरूम के डोर पर ही पीछे की साइड उसको सुखाने के लिए टंगा दिया था, तो मैं उसी को बता रही थी, वो टॉवल की पूछ रही थी कि वो टॉवल कहाँ है कल वाली।
और देखिए मंतव्य कैसे दौड़ लगा रहा है पूरे घर में से, क्योंकि पापा के रूम से भी एक गेट है और इधर से भी गेट है, तो पूरे घर का चक्कर लगाता रहता है वो ऐसे गोल गोल। तो ये पकोड़े तल के तैयार हो गए हैं एंड मैं इनको, मंतव्य के दादू और मंतव्य के पापा दोनों बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे, तो वो थोड़ा थोड़ा प्याज वाले लिया था तो मैं उनको दे के आ गई थी, तो अच्छे से पेट भर के खा लेंगे, तो उन्होंने वो भी ले लिए थे। मैं और तल लेती हूँ क्योंकि मंतव्य की दादी भी खाएगी, मंतव्य भी खाएगा और मुझे भी खाने हैं। और अभी मंतव्य के पापा आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, तो बस मैं उनके वॉलेट को देखकर आती हूँ पहले। और ये कुछ घोल बच रहा था तो उसमें में मैंने प्याज और आलूओं को थोड़ा बारीक काट के जो लास्ट घोल बच रहा था उसमें मैंने डाल दिया। एंड यहाँ मैं और बेसन घोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सादा पकौड़ियाँ निकालनी हैं। ये देखिए पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं सबके लिए, और मैं तो नहीं खाने वाली क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लग रही है इतनी, और मैं जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मुझे मैं खाने भी नहीं वाली, क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ से फ्री करके फिर तैयार भी होना है क्योंकि मम्मी के पास जाना है और नहाना है, कपड़े भी धोने हैं तो उनमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ मैंने छाछ भी रख ली है, छाछ को मैं कढ़ी बनाने के लिए यूज़ में लेने वाली हूँ। और ये देखिए मैं कढ़ी भी बना दी है, फ्राई भी कर लिया है, और ये थोड़ा बनती रहेगी, उबाल आती रहेगी, इसमें थोड़ा जो भी मसाले डलते हैं वो डाल देते हैं। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्ची और लहसुन को कूट कर डाल दिया है ताकि लहसुन का जो टेस्ट है ना वो अच्छा सा आता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।